बुद्धिहीन तन जान के समिदो पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन कोच पवन सुत लाभा। महावीर विक्रम नजरंगी, पति निवार सुमति जय सिंह। कंचन बरन विराज सुमति, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पैर गोद जाग राजा, नाम मोदुल देव चाली। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राजा जी कर प्रेम कुबेर जी कपाल जहां ते गोविंद कहीं सके कहां ते तुम उपकार सुख सुहाई दिन हा राम बनाए राजा बदन का करो वंश में भीषण माता के सुर में रंग आए सब जो जन भरवानो जो ताता जन का वो उस गाव में मुख मार है जग जग जाने गए सब जन है दुर्गम काज जगत के जय जय सुकुमार राम दुआरे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से भक्त को भव सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उबारती। जय हो श्री भागवत भगवान की आरती, पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
ശീതീകരണം പുഷ്പേ ദേവ വന്ദനം ഹസ്തേ അക്ഷതപുഷ്പാഞ്ജലിം കുയാത് ാരായണായ വാസുദേവായ ധീമഹി തന്നോ വിഷ്ണു പ്രചോദയാത് ഹരിഹി ഓം ജ്ഞാനഗംഗായ വിദ്മഹേ പഞ്ചമ വേദായ ധീമഹി തന്നോ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പ്രചോദയാത് ഹരിഹി ഓം ഹംസ ഹംസായ വിദ്മഹേ പരമഹംസായ ധീമഹി തന്നോ സദ്ഗുരു പ്രചോദയാത് ഓം ആഞ്ജനേയായ വിദ്മഹേ വായുപുത്രായ ധീമഹി തന്നോ ഹനുമത് പ്രചോദയാത് പുരാണ പുരുഷോത്തമായ നമോ നമ സർവേ സ്ഥാപിതം ദേവതാസ ഭഗവാൻ ശ്രീ മാതാ ചരണ കമലേഭ്യോ നമോ നമ ചരണാദവിന്ദേ ശ്രീമന്ത പുഷ്പാഞ്ജലിം സമർപ്പയാമി ബോലു ഭാഗവത ഭഗവാന് കീ ജയ ദ്വാരികാധീശ ഭഗവാന് കീ ജയ ഗോപാല കൃഷ്ണ ഭഗവാന് കീ ജയ സദ്ഗുരുദേവ ഭഗവാന് കീ ജയ ശിവ നമ പാർവതിപതി ഹര ഹര മഹാദേവ ഹര ജയ ജയ ബോലു സദ്ഗുരുദേവ ഭഗവാന് കീ ജയ Bye.
शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा गोविंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनसे निवेदन अपना आशीर्वाद बनाए। हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। इनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं आशीर्वाद प्रदान करें। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, वास देवता सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें एवं आशीर्वाद प्रदान करें। संत समाज विद्वत संगीत वादक बंधुओं को आज का सादर सादर जय श्री कृष्ण एवं भगवान श्री कृष्ण की कथा में पधारे सभी हसी भक्त वृंद शक्तिमती माता बहनों सभी को आज का जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आइए भगवान से प्रार्थना करें हमारे गांव नगर विश्व में शांति हो। विश्व शांति की प्रार्थना प्रवेश करें। भगवान धन धान्य के भंडारी सब भक्त से देखे
सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि प्राणधारी। तृतीय दिवस की कथा आपने कल बड़े भाव के साथ में श्रवण करी और अजामिल उपाख्यान सुन करके आपने कथा विराम आरती प्रसादी ग्रहण करी। आज भगवान के प्राकट्य उत्सव की कथा है, भगवान के अवतार की कथा है। आज आपको बड़े सुंदर कथाएं सुनने को मिलेंगी। भगवान
सूर्य वंश में किस तरह से राम जी महाराज का प्राकट्य होता है, सूर्य वंश की कथा के बाद में आपको फिर चंद्र वंश की संक्षिप्त कथा और भगवान के प्राकट्य उत्सव की कथा और भगवान का प्राकट्य उत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे। राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं और गंगा किनारे श्रवण कर रहे हैं। थोड़ी और कम कर दो आवाज, थोड़ी सी थोड़ी सी। हाँ, गंगा किनारे बैठे हुए हैं, वट वृक्ष के नीचे। और जब सुखदेव मुनि कथा सुना रहे हैं तो हमने आपको कथा में बताया था, ऐसे नहीं सुना रहे थे तीन घंटे चार घंटे नहीं, अविराम गति से कथा चल रही थी, यानी नॉन स्टॉप। प्रातः काल प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ होती है, दूसरे दिवस प्रातः काल 6 बजे प्रथम दिवस की कथा विराम होकर के दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो जाती है। महाराज भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है, आप सब जानते हैं। द्वादश स्कंद है, 335 अध्याय हैं। अब 18,000 श्लोक क्या 7 दिन में हम वर्णन कर सकते हैं कि सभी कथाओं को हम यहाँ पर आपको सुना सकते हैं? नहीं, हम तो आपको कथा का सार सुना रहे हैं। जिस तरह से भगवान की जो वंशावली है, अब राम कथा आएगी तो राम जी का इतना बड़ा वंश है तो उसका यहां से कहां तक वर्णन कर सकते हैं। केवल संक्षिप्त में आपको भगवान कथाओं का सारांश सुनाया जाता है। 4 दिन हो गए परीक्षित को कथा सुनते सुनते। सुखदेव मुनि ने पूछ लिया, राजन भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। तब राजा ने मना कर दिया कि गुरुदेव नहीं, भूख लगती ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। ना तो भूख लगे ना प्यास लगे। अब आप बताइए, जिस आदमी को पता चल गया हो कि 7 दिन बाद मरना है, आज 4 दिन हो गए हो, उसे भूख प्यास लगे? नहीं महाराज, अपने को पता चल जाए तो अपन 7 दिन से पहले ही मर जाए कि हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। अरे कैंसर की बीमारी हो जाए या छोटी मोटी कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो बीमारी से ज्यादा तो अपन हाय पाल लेते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर गई। क्यों? अभी मरी नहीं, उससे पहले ही मर गई। राजा को तो 4 दिन हुए कथा सुनते सुनते, लेकिन उनको मरने के डर से भूख प्यास नहीं लग रही है। नहीं महाराज, गुरुदेव मुझे वो कथा सुनाइए जो मेरे गोविंद के प्राकट उत्सव की कथा हो, जिससे मेरे भगवान का अवतार हुआ हो। भगवान का क्या होता है आप सब जानते हैं, बड़े पढ़े लिखे सभी लोग हैं, पढ़े लिखे आप सब में अनपढ़ तो आदमी केवल एक ही है, बाकी आप सब पढ़े लिखे हैं ही सही। आप सब लिखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, सभी लिखते हैं साथ हैप्पी बर्थडे लिखते नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे तो लिखे लिखे बहुत सारे होशियार लोग तो लिखते कि फलाने साहब को अवतरण दिवस की शुभकामनाएं। क्या लिखते हैं? अवतरण। अरे मूर्ख, उसका अवतार थोड़ी हुआ, अवतार तो भगवान का हुआ है। दुनिया वाले इंसान का किसी का अवतार थोड़ी होता है। वैसे हैप्पी बर्थडे वाला बॉय आपने बीच में भी बैठा हुआ है, नारायण तबला वाले भैया, इनका भी आज जन्मदिन है। चलो मनाएंगे, आरती से पहले मनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अवतार होता है, भगवान का अवतार हुआ है साहब, और उन्हीं भगवान की लीला अवतारों की कथाओं को सुनकर के राजा परीक्षित ने अपने जीवन को धन्य किया, अपने आत्मा का उद्धार किया और मरने के बाद में सदगति हुई।
वरना महाराज सांप का कटा हुआ कभी सदगति को प्राप्त नहीं होता है। आग का जला हुआ, डिलीवरी में मरी हुई महिलाएं, एक्सीडेंट में शस्त्र से कटा हुआ, पानी में डूबकर मरे हुए, ऐसे की मुक्ति नहीं होती, वो भटकते रहते हैं इधर उधर उधर। फिर ब्राह्मण देवता इनके कि महाराज आपके परिवार में तो पितृ दोष है, पूजा पाठ करानी पड़ेगी। तो जजमान कहते हैं कि महाराज हमने तो पितृ दोष की पूजा पाठ सब करा ली, गीता पाठ करा लिया, ने हमने तो ये करा लिया, ने माला फेर वाली, हम तो वहां हंकुदार जी जाके आ गए, हम तो गंगा जी जाके आ गए, हम गया तीर्थ जाके आ गए। तुम दुनिया में कहीं पर भी जाके आओ, अधोगति आत्मा की तो केवल भागवत से ही मुक्ति होती है, इसके अलावा किसी से मुक्ति नहीं होती है। भागवत ही मुक्ति की दाता है, कहां पर भी कहीं पर भी कथा होती हो तो भागवत इसलिए कहा है कि मुक्ति की कथा है। हम लोगों ने इसको नुक्ति की कथा समझ लिया कि मुक्ति की नहीं नुक्ति की है, आरती के बाद नुक्ति बांटो साहब, नुक्ति बांटनी पड़े, क्यों कि कथा में भागवत तो नुक्ति की कथा है, माइक में थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो क्या मुक्ति तो नहीं समझ में आए, नुक्ति समझ में आ गए तो ला रहे बांट रहे नहीं आए। हमको मुक्ति मिले नहीं मिले कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है, महाराज मुक्ति मिल जाए बस बहुत आनंद है, मुक्ति मिल जाए कथा के बाद में आनंद ही आनंद हो गया। तो कथा मनुष्य के जीवन की व्यथा मिटा देने वाली है, ऐसा इंसान के जीवन की व्यथा कथा ही मिटाती है। और उसी कथा को आप, उस मंगलमय कथा को आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हमने अजामिल उपाख्यान सुना, देखिए अजामिल कितना बड़ा पापी था, दुराचारी था, दुराचारी था जिसने पाप कर्म किया। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण होने के नाते उसका फर्ज क्या बनता, पूजा पाठ करना, संध्या उपासना करना, माला फेरना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, लेकिन देख लिया गड़बड़, और देखने से उसके ऊपर बुरा प्रभाव हो गया। देखने का बहुत बुरा प्रभाव होता है साहब, दृष्टि दोष होता है जिसे बोलते हैं दृष्टि दोष। दुनिया में हर चीज नकली हो सकती है, लेकिन अपनी नजर को हमेशा असली रखो, नजर नकली मत रखो, नजर नकली रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नजर असली होना चाहिए। तो अजामिल ने देखने के कारण अपना बुद्धि अपना मन बिगड़ गया। तो साहब हमें आप बताइए, देखने से ही तो बिगड़ता है मन है, नहीं बिगड़ता है क्या? अपने को थोड़ी पता था पहले, मुझे तो नाम भी याद नहीं कि वो नाम ही याद, वो साड़ी चलती थी पहले, बहुत सारी साड़ी आई कि हमारे तो वो साड़ी लानी पड़ेगी नहीं, वो लानी पड़ेगी नहीं, वो क्वालिटी की नहीं, वो उसकी नहीं, वो उसकी नहीं, ना जाने कितने नाम है, नाम याद नहीं आ रहे अपने को, बाकी सब देखने से तो आपको पता चलता है। आपके कान में आके भगवान ने थोड़ी कहा है, भगवान ने थोड़ी कहा, वो आपने देखा टीवी में एड के साहब अपने को तो वो साड़ी लेके आना है, वो कंपनी नहीं चल रही है, उस कंपनी की साड़ी लाना है, अपना मन वही बिगड़ रहा है देखने से। ये सब देखने का बुरा प्रभाव आज, अच्छा देखो, देखो दृष्टि दोष, अच्छा देखो, आप अच्छा देखोगे तो मन के अंदर सोच विचार भी अच्छे आएंगे। और वही अजामिल अपने बेटे नारायण को याद कर रहा है, भगवान को याद नहीं कर रहा है। हम तो सब जानबूझ करके भगवान को याद कर रहे हैं, अभी सब जानबूझ के तो आए हैं यहाँ पे, अपने को ये थोड़ी पता था कि ये कोई फिल्म स्टार आने वाला है, अपने को तो यही पता है कि इस कथा पांडाल है, इस कथा पांडाल में कथा होने वाली है, फिर भी अपन जानबूझ के आए। अरे सब हम जानबूझ के आए फिर भी हमारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है? इतने समय से कथा सुन रहे फिर भी कहीं से कहते कुछ नहीं हुआ, उद्धार क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने यहां से कुछ नहीं किया है, सब यहां से नहीं, यहां से चल रहा मामला। नारायण 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 हरे हमारे लिए देखा है I'm not afraid.
Thank you.